नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद रघुनंदन टीवी पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी औषधि लेकर आए हैं जो कि हर रोग की दवा साबित होती है, जिसका नाम है त्रिफला एवं एलोवेरा जूस। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो दोस्तों, त्रिफला किसे कहते हैं? भाव मिश्र विविध की तथा धात्री फलों के संभाग मिश्रण को त्रिफला कहते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्रों में इस औषधि का बहुत वर्णन है। तो दोस्तों, इसके उपयोग से प्राणी ला इलाज शुगर, डायबिटीज, बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद होना, डैंड्रफ और आँखों से कम या धुंधला दिखाई देना और कमजोरी, और दोस्तों पढ़ा लिखा आकारण भूल जाना और पुराना नज़ला जुकाम और हमेशा रहने वाली खांसी और एसिडिटी और भूख कम लगना, गैस, बवासीर, कब्ज और चेहरे की झुर्रियाँ, कील मुहासे और जाई, हृदय की कमजोरी, अनंतरित धड़कन, हाई ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और तम्बाकू, खैनी, गुटखा, सिगरेट के प्रभाव से शरीर पर हुआ दुष्प्रभाव को ठीक करता है और शरीर व मानसिक अशांति, पेट का बढ़ना, मोटापा व जोड़ों का दर्द और दांतों का हिलना व कमजोर होना, एक विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक औषधि उपयुक्त परिस्थितियों में प्रत्येक मौसम में, यानी हर मौसम में संपूर्ण परिवार के कोशिकाओं को पुनः जीवित कर अणु सेलों को शक्ति देकर स्वस्थ, निरोगी एवं सुखी जीवन प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस औषधि का हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत ही वर्णन है। तो दोस्तों, यह औषधि बहुत ही चमत्कारी औषधि है और दोस्तों, यह औषधि पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस औषधि की उपयोग विधि जान लेते हैं। इस औषधि को 10 ml से 20 ml की मात्रा में एक गिलास ताज़ा पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और किसी के भी काम आ सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।